हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा कुछ अलग है। आज हम पढ़ाई का मैटर आपको नहीं बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कुछ अलग है। जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, हमने ये लिखा है कि आप सभी विद्यार्थीगण RLY ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े तथा इसके समस्त वीडियो का लाभ उठाएं, है ना। नीचे क्या लिखा उसको देखिए आप। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, मतलब इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समस्त वीडियो समय पर आप तक पहुंचाया जा सके, है ना। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि वीडियो जो होता है, हम लोग जो प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप जानेंगे कैसे कि हमारा पढ़ाने का लेवल क्या है, हमारे पढ़ाने की क्वालिटी क्या है, है ना। तो जब आप वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा। हम तो जानते हैं कि हमारा लेवल अच्छा है ना, लेकिन आप बताएंगे ना कि कैसा लेवल होता है। जैसे विवेक सर के बारे में बात कर लीजिए, तो वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विवेक सर द्वारा जो क्या होता है, पढ़ाया जाता है। आपको मजाक लगता होगा अगर आप न्यूरी जाएं, है ना, न्यूरी जाएं तो उनकी कोचिंग जो है आपको सबसे पहले दिखाई देगी। आप इसके इर्द गिर्द टांडा, है ना, बसखारी, जलालपुर, अतरौलिया, देखिए आप इसकी इर्द गिर्द कहीं पर जाएं, है ना, रामनगर, बस इतना समझाना आपके लिए क्या है, समझ गए आप। नेवरी की इर्द गिर्द आप कहीं पर भी जाएं तो अगर आप पूछेंगे कि विवेक सर को जानते हैं तो सभी लोग आपको बताएंगे। क्यों? इसके पीछे भी एक मकसद है, है ना, क्योंकि वो कई सालों से पढ़ाते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। बच्चे क्या आते हैं, टॉपर आते हैं, उन्होंने कई हजार लड़कों को जो है टॉपर करवाया है, तो उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो हम लोग का यही मैटर है कि बच्चे क्या हो, टॉपर हो। बच्चे हर साल आकर उनको बधाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं, क्यों, एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप उनके वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये पता कैसे लगेगा कि उनका लेवल क्या है, है ना। बच्चे खुद बताएं हम लोगों को कि सर आप चैनल बनाइए यूट्यूब पर और भी बच्चों को आप क्या करिए, शिक्षा प्रोवाइड कराइए, है ना। ऐसा नहीं कि स्वयं थे अचानक मन किया तो चैनल बना दिया गया। तो आप समझिए, हमारा इस चैनल बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि बच्चे इस लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कर सके, है ना, क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। बच्चे जो है, बच्चों को पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। तो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को शून्य से शिखर तक ले जाना, है ना। हमने यहां पे लिख दिया है कि इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को शून्य से शिखर तक ले जाना, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन एक ना एक दिन खत्म ही होगा। तो अगर इस लॉकडाउन में हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आगे हमारा फायदा रहेगा ना, क्योंकि आप इतना जान लीजिए कि लॉकडाउन के बाद वैकेंसी बहुत आएंगी, तो आपका कंपिटेटिव लेवल भी तैयार होगा। तो ऐसा ना कि लॉकडाउन खत्म हो जाए तो उसके साथ साथ आप भी खत्म हो जाएं। तो आप लोगों को पढ़ाई का माहौल मिल सके इसलिए ये चैनल को बनाया गया है। आप लोग विवेक यादव सर को जो है सपोर्ट करिए, उस चैनल को जो है ना प्यार दीजिए। तो और हमारा मेन मैटर ये है कि चैनल जो होता है अगर उस पर लाइक और सब्सक्राइब, है ना, नहीं बढ़ेगा तो हम लोगों का प्रोत्साहन क्या होता है, हिंदी घटता है। और आप देखते होंगे उस चैनल पर हिंदी पढ़ाई जाती है, मैं खुद हिंदी पढ़ाता हूँ। आप उस चैनल जाकर वीडियो देखिए और अन्य वीडियो से आप कंपेयर करके देख सकते हैं तो आपको अंतर समझ में आएगा, है ना। तो आप
जब वीडियो देखेंगे तब तब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और जहां तक संभव हो सके शेयर करें। आप दोस्तों से क्या करिए, सर्च करवाइए, है ना, RLY ऑनलाइन जो होता है, ये जो होता है ना, जो हमने लिखा है RLY, तो RLY जो हमने लिखा है, ये दोस्तों से आप क्या करवाइए, सर्च करवाइए। तो जब आप सर्च करवाएंगे, हमारा भी हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, तो सेकंड पे जो RLY दिखाई देगा उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब जो क्या होगा, आपको शो करेगा चैनल, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, है ना, चाहे किसी भी संबंधित हो, या कोई आपको एडवाइस लेनी हो, तो ऐसा नहीं है कि मजाक किया जा रहा है, आप डायरेक्ट नंबर से बात कर सकते हैं। हमने नंबर यहाँ पे लिख दिया है ना, 8934-9971-99। आप फोन कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप से जुड़ करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर प्रकार की व्यवस्था है ना। तो जुड़ करके सर जो कई सालों से एक्सपीरियंस लिए हैं उनका फायदा उठाएं, है ना, लॉकडाउन का सदुपयोग करें। तो हमको अब लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। इसी के साथ हम वीडियो को, अपने बारी को विराम करते हैं। सो थैंक्स।